4 जून जहां सब लोकसभा के इलेक्शन में बिजी थे, वहीं आता है नीट का रिजल्ट जो कि एक्चुअल में आना था 14 जून को, लेकिन वो आता है 4 जून को। अब नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो कंडक्ट कराती है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसे क्लियर करके स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं। अब नीट एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है पहले वो समझते हैं। नीट एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 90 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से, 45 फिजिक्स से एंड 45 केमिस्ट्री से अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को, 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 200 मिनट मिलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मान लो 1 मिनट मिलता है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। अब अगर आप सब आंसर सही देते हो, 180 के 180 अगर आपने आंसर सही दिए तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन, मतलब अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा 720। और अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने अटेम्प्ट 179 क्वेश्चन करे तो आपका टोटल होगा 716। और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 4 मार्क्स भी डिडक्ट होंगे और -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट होगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 715। जहाँ 720 में से 720 लाना बहुत टफ है, पिछले एग्जाम रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग 2 या 3 बच्चे ही 720 में से 720 लेके आ पाते हैं, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स के 720 आते हैं और 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 718 और 719 आते हैं। अब जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई उसके अकॉर्डिंग 718 और 719 आना इम्पॉसिबल है। अब ये रिजल्ट 14 जून की जगह 4 जून को क्यों डिक्लेयर किया गया, 720 में 720 नंबर 67 स्टूडेंट्स के कैसे आए, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नीट रिजल्ट 718 और 719 मार्क्स क्यों आए, ये पूरा स्कैम क्या है, हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। एग्जाम से 1 महीना पहले एक वार्निंग आती है कि इस बार का नीट एग्जाम लीक होगा और ये पेपर लीक करेगा विशाल चौरसिया। अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। ये विशाल चौरसिया वही होता है जो पहले भी स्टेट के एग्जाम्स लीक कर चुका होता है और अभी करंटली वो जेल में होता है, लेकिन जेल से वो अभी भी ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन इस वार्निंग को इग्नोर करके NTA इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। फिर 5 मई को एग्जाम होता है एंड उसके बाद भी न्यूज फैलने लगती है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस पे NTA का क्लियर नोटिस आता है कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, जो भी न्यूज फैलाई जा रही है ये फॉल्स है एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस। लेकिन फिर पटना पुलिस 13 लोगों को अरेस्ट करती है जिसमें से 4 वो होते हैं जिन्होंने पेपर दिया होता है। 3 क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं, 2 उनके एसोसिएट होते हैं और एग्जामिनीज के फादर, मदर और ड्राइवर होते हैं। पटना पुलिस ये भी इन्फॉर्म करती है कि 20 स्टूडेंट्स को एग्जाम का पेपर 1 दिन पहले ही मिल चुका था। 2 गाड़ियां आती हैं, उनको घर में लेके जाया जाता है जहां पे पहले प्ले स्कूल हुआ करता था कोविड से पहले, उनको वहां पे नीट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स रटवाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनको वहीं से उनके सेंटर लेके जाया जाता है एग्जाम देने के लिए। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता लगता है कि स्टूडेंट्स ने 30 से 50 लाख रुपए दिए थे इन लीक एग्जाम पेपर को पाने के लिए। फिर एक और न्यूज आती है, 16 बच्चे उड़ीसा से, झारखंड, MP, कर्नाटका, यहाँ से अपना एग्जाम सेंटर गोधरा सेलेक्ट करते हैं परवाड़ी विलेज में जय जलराम स्कूल, और वो बच्चे 10 लाख रुपए देते हैं अपना नीट का एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। मतलब स्टूडेंट्स 1000 किलोमीटर दूर से इस सेंटर पे आते हैं अपना एग्जाम किसी और से दिलवाने के लिए। और फिर एक और ऑडियो भी लीक होती है जिसमें क्लियरली एक लेडी बोल रही है कि आपको एग्जाम देने के लिए बस बैठने और एक्टिंग करनी है लिखने की, ताकि जो CCTV कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही है उससे पता लगे कि आप एग्जाम दे रहे हो और बाद में वही उस सेंटर के टीचर्स एग्जाम देके आपका एग्जाम सबमिट कर देंगे। बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप CCTV कैमरे की निगरानी में रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट वार्म अप को फुलफिल करेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जहाँ ये सारा मैटर चल रहा था पेपर लीक का, सेंटर बुकिंग का, वहाँ एक और मैटर रेडी हो रहा था जिसे सुनने के बाद सब शॉक में आने वाले थे। और ये पहली बार नहीं था कि नीट का पेपर लीक हुआ था, 2017 में भी 5 लोग अरेस्ट हुए थे नीट का पेपर लीक होने की वजह से, 2021 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था जिसमें 8 लोग अरेस्ट हुए थे और हर पेपर को 35-35 लाख रुपए में बेचा गया था। बट एज आई टोल्ड यू, इस बार पेपर लीक था कि मैटर नहीं रुकने वाला था, इस बार स्कैम काफी बड़ा था। अब आता है रिजल्ट डे। जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो ऑल ऑफ अ सडन 4 जून को डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये शॉक सबको लगता है कि इलेक्शन डे के रिजल्ट पे ही क्यों नीट एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये शॉक यहां खत्म नहीं होता क्योंकि बाद में पता लगता है 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर आए होते हैं और 2 स्टूडेंट के 718 719 इन द हिस्ट्री ऑफ नीट पहली बार ये स्कोर भी आया होता है। अब ये रिजल्ट की लिस्ट
जिसमें से हाईलाइटेड स्टूडेंट जिनकी रैंक 1 है उनके रोल नंबर 2307010 ये कॉमन है 8 स्टूडेंट्स में से। मींस या तो ये एक ही सेंटर के हैं या फिर आसपास के। तो ये सेंटर निकल के आता है झज्जर का सेंटर। अब स्टूडेंट पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए। नीट के क्वेश्चन पेपर के 2 सेट होते हैं। स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि आप इन दोनों सेट को सॉल्व करो, मतलब 200 मिनट के अंदर आपको 360 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको दोनों सेट क्यों दिए गए हमें एंड ये दोनों सॉल्व करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से टाइम वेस्ट होता है। फिर बाद में वहां के सेंटर की अथॉरिटीज को रियलाइज होता है कि हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हमने दोनों सेट दे दिया स्टूडेंट्स को। तो उनसे एक सेट ले लेती है और उन्हें बोल देती है कि अब आपको एक ही सेट सॉल्व करना है। तो उस कंफ्यूजन की वजह से उनके 15 मिनट 30 मिनट जो भी उनका टाइम होगा वो वेस्ट हुआ होता है। अब देखा जाए तो एग्जाम का टाइम वेस्ट हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम पे पेपर वापस ले लिया जाता है। और इस जो टाइम से पेपर लेने की वजह से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एनटीए इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देती है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स के 718, 719 और काफी स्टूडेंट्स के 720 नंबर आए। अब समझो ये ग्रेस मार्किंग दी कैसे गई। अब हर स्टूडेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर एक स्टूडेंट के 15 मिनट वेस्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन कि पेपर कौन सा सेट करना है कौन सा सेट नहीं करना, उस कंफ्यूजन की वजह से तो अकॉर्डिंग टू एनटीए और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 15 मिनट में हर बच्चा 15 क्वेश्चन का सही आंसर दे देता, तो 15 × 4 = 60 मार्क्स उनको ग्रेस मार्क दे दिए गए। अब सपोज करो किसी सेंटर पे डेलिबरेटली 1 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ हो, 1 घंटे में 60 मिनट और एनटीए के स्कीम के अकॉर्डिंग 60 × 4 240 मार्क्स उनको ग्रेस मार्किंग में दे दिए जाएंगे। अब जो ये नीट का ग्रेस मार्किंग का सिस्टम है वो स्टूडेंट के लिए कैसे गलत है, ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एक स्टूडेंट जो एग्जाम देने जाता है वो ट्राई करता है कि हम पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशंस वगैरह चाहिए होती हैं वो एंड में करेंगे। तो बेसिकली वो बायो सेक्शन को पहले पकड़ते हैं और 90 क्वेश्चंस वो पहले ट्राई करते हैं कि इसको 1 आवर में अटेम्प्ट करके खत्म करते हैं। तो अगर उन्होंने वो 1 घंटे में खत्म कर दिया बायो का सेक्शन तो उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आवर एक्स्ट्रा मिल जाता है और दैट फिजिक्स का सेक्शन जिसमें उनको कैलकुलेशंस की नीड होती है। अगर मान लो किसी भी स्टूडेंट के 15 से 30 मिनट वेस्ट हुए हो बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, तो अकॉर्डिंग टू एनटीए उन्होंने क्या करा, ग्रेस मार्किंग में वो 15 मिनट के अकॉर्डिंग 15 × 4 = 60 उन्होंने ग्रेस मार्किंग दे दी। लेकिन यहाँ पे जो टाइम बचा था एंड का टाइम था उन्होंने वो रखा था स्टूडेंट्स ने टफ क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे उनको ज्यादा टाइम लगने वाला था, लेकिन एनटीए ने वो कंसिडर ना करते हुए एनटीए ने कंसिडर कर लिया कि अगर बच्चों का 30 मिनट का टाइम वेस्ट हुआ है तो वो उस 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और उस 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनटू 4 उनको ग्रेस मार्क दे दो। ये जो कैलकुलेशन है ये कोई सेंस नहीं बना रही है और एनटीए ने भी कोई मेथोडोलॉजी नहीं दी है कि उन्होंने ग्रेस मार्किंग कैसे दी है। सपोज करो ये एग्जाम का रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ऐसा का ऐसा ही रहता है एंड एनटीए कोई रैंडम सी जस्टिफिकेशन ले आती है और ये रीनीट का चक्कर नहीं पड़ता है। तो जिनके 720 में 720 आए 67 स्टूडेंट ARI रैंक 1 कैसे सिलेक्ट हो, वो बोला जा रहा है कि वो कंप्यूटर के थ्रू होगी रैंडमली, या तो लॉटरी सिस्टम होगा या फिर जिसने पहले फॉर्म सबमिट किया होगा उसको रैंक 1 दे देंगे या फिर अल्फाबेटिकली चलेगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बताओ जिनके 650 नंबर आए हैं उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर उनको कॉलेज मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में उनको जाना पड़ेगा जहां पे बहुत ज्यादा फीस है। जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे वो तो चले जाएंगे उन कॉलेजेस में, जिनके नहीं कर पाएंगे उनका क्या, क्या वो जस्ट डिजर्व नहीं करते। ये उन 1-2 बच्चों की कहानी नहीं है, 24 लाख बच्चों की बात हो रही है, उनका फ्यूचर उनकी बात हो रही है, हमारे देश का फ्यूचर उनकी बात हो रही है। यही स्टूडेंट्स है जो आगे जाके डॉक्टर बनते, आप हम में से किसी का इलाज करते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद डॉक्टर भी ना बन पाए क्योंकि हर एक के पास वो इतना पैसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चे को भेजे, क्योंकि उन्होंने ये सोच के नहीं एग्जाम दिया था कि हम इस प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, उन्होंने ये सोच के एग्जाम दिया था कि हम नीट क्लियर करेंगे और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे और अपना सपना पूरा करेंगे। इलेक्शन की आड़ में इस एग्जाम के स्कैम को छुपाने की कोशिश की गई है। 14 जून से रिजल्ट को 4 जून को क्यों लाया गया, इस आवाज को दबाने के लिए, स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने के लिए ये रिजल्ट 4 जून को इसलिए ही लाया गया ताकि कोई कुछ ना बोले और किसी को ना पता लगे। लेकिन सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि ये जो मैटर है यहां तक उठ के आया है और मैं यही चाहूंगा कि इस मैटर को जितना शेयर करो उतना कम है। एंड अगर कोई मेरे व्यूअर्स में कोई है जिसने नीट का एग्जाम दिया तो अपने व्यूज जरूर शेयर करना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।